अंतरिक्ष के पहले म्यूजिक कॉन्सर्ट को देखने का मौका भला ये बच्चे कैसे जाने देते। ये हमारा मंच है, ये गोल गोल घूम सकता है। नहीं देखना, ये
कितना सुंदर है। चिंता हो रही है, कालिया अंदर अकेला है। कालिया ने महल में बहुत ही सावधानी से और आहिस्ते से प्रवेश किया। समझ गया चुटकी। हो रहा सुपर भीम। ये फिर अपने आप फिर से बन जाएगा। हमें महल में उसके पहले प्रवेश करना होगा। क्या उसने महल में प्रवेश कर लिया? कहाँ है वो? कहाँ है? सुपर भीम। खेल छड़ी में है, लेकिन छड़ी तो गायब हो गई। राजू ढूंढो उसे। सुपर भीम, चलो मैं तुम्हारी मालिक हूँ। बंदर कहीं गए? तुम्हारी आभारी रहेगी भीम। मिनमिन तुम एक बहादुर परी हो, हमेशा ऐसे ही रहना। अलविदा भीम, फिर जरूर आना। बच्चों ये लो ही रस। ये तो बहुत स्वादिष्ट है स्कार ड्रैगन। भीम तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ राजू? घबराओ मत बच्चों, ये एक सादा सा रस है जिसे पीने पर आवाज तीखी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो देखो कितना सुंदर पंख है। वो देखो वहाँ और पंख है। सुईमुई अंतरिक्ष की सबसे सुंदर नर्तकी है, वो अपने पंख निकालकर ऐसे अंतरिक्ष में क्यों गिराएगी? स्काई ड्रैगन, हमें इन पंखों का पीछा करके देखना चाहिए कि सुईमुई ठीक तो है ना? तुम ठीक कह रहे हो भीम, चलो। मैं लपक कर इन सुंदर पंखों को पकड़ लूंगा और फिर इनका एक सुंदर सा पंखा बनाऊंगा। मुझे कस के पकड़ लो। ये तो अजगर ग्रह है। ये पंखों की पगडंडी यहाँ खत्म होती है। मुझे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुईमुई को अगवा किया है। शायद इसीलिए सुईमुई ने अपने पंखों की पगडंडी पीछे छोड़ी होगी। हमें सुईमुई की मदद करनी चाहिए। सुपर भीम की सेना और स्काई ड्रैगन, सिपाहियों रोको इन्हें। अब हमें कोई नहीं रोक सकता लाटा, हम सुईमुई को तुम्हारे चंगुल से निकाल कर ले जाएंगे। हमला! भेज देते हैं। जल्दी नहीं भीम,
सिपाही बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसा निर्देश इन्हें लाटाक दे रहा है। अब मुझे पता है इन्हें कैसे रोकना है। स्काई ड्रैगन, क्या आपके पास वो ही रस बचा है? हाँ, ये लो। संदेश भेजा था कि कुछ बहुत जरूरी है। ये सब इस छोटू के काम है। उसने उसे खोल दिया और उसके बाद तैयार प्यारी बिल्ली। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे दोस्त। फिर से? मूसी तो बहुत शरारती है। हम इस दुनिया में बार बार आएंगे। सुपर भी, सुपर भी।
तुम हो कौन? मेरा नाम चोगा है। मैं तार ग्रह का राजा हूँ। वर्षों से तार ग्रह और नाग ग्रह में युद्ध चल रहा है। नाग का राजा बारा हमारे ग्रह के जीवन दायिनी पत्थर को हांपना चाहता है। हमारे ग्रह पर जीवन शक्ति कमजोर पड़ गई है और हम लोग बीमार हो रहे हैं। हमें नाथ ग्रह की सुरक्षा के बारे में बताओ। नाथ ग्रह की सुरक्षा बहुत कड़ी है। उसके सिपाही 24 घंटे ग्रह के चक्कर लगाते रहते हैं। बारा ने वो जीवन दायक पत्थर अपने महल के ऊपर सुरक्षा कवच में रखा है और वहाँ खुद तैनात रहता है। बारा की सेना चारों तरफ फैली हुई है। हमारा जीवन पत्थर तक पहुँचना असंभव है। जब आपने हमारे पास आने का भरोसा दिखाया तो आगे भी भरोसा रखिए जोगा जी। वो क्या था? घुसपैठ लिए हैं। दीजिए। कोई बात नहीं सुपर भीम, आखिर हमारे ग्रह को बचाया भी तो तुमने ही है। भीम तो गलती करके भी हीरो बन गया। और तुम्हें तो पता ही है बंदर कितने शरारती होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी करते ही रहते हैं। मेरा मतलब तुमसे नहीं था जग्गू, हमारे अलावा और कोई नहीं है। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। करना होगा, वो हमारा खाना चुरा कर भाग गया। Finger
छोटू को वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए इसके मम्मी पापा इसे ढूंढ नहीं पाए। इससे पहले कि कोई मुझे देखे इस केक को खा लेता हूँ। बिंगो, अपना जादू दिखाओ। सुरो, आकाश लोक का सबसे छोटा और सबसे बहादुर। भीम बजाना हमेशा पड़ता है भारी। भारी तो भीम पर पड़ेगा अगर वो गलती से कभी मुझसे मुकाबला करे। बिना बात के मुकाबला करने में मुझे दिलचस्पी है भी नहीं सुरो। स्काई ड्रैगन, तुम तय करना मुकाबले के पड़ाव। मुकाबले के दो पड़ाव होंगे जिसमें तुम्हें दिमाग और दम दोनों लगाना होगा। पहला पड़ाव है ये दौड़। तुम अरे ये चक्कर तो मैं सोते सोते लगा लूंगा। इन अड़चनों को पार करते हुए भीम, सुरो तैयार जाओ। तुम सबका स्वागत है दोस्तों, और ये
में चिड़ियाघर कैसा लगा? हम इन कांच के पिंजरों को आसानी से तोड़ सकते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो कालिया? ये कांच का पिंजरा टूट नहीं रहा तो मैं एक सुरंग बना रहा हूँ। इधर देखो, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नर्तकी। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे बैम बैम बिम खुद हमें बाहर निकाले। बैम बिम की जय हो। तुम्हारी बातें तो शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही है। वाह, ये तो इंद्रधनुष के रंगों से रंगा केक है।